अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल हैं आप लोगों के? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं इतने दिन व्लॉग आप लोगों से नहीं शेयर कर पाई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा व्लॉग बनाने का, क्योंकि रमज़ान चल रहा है और हर कोई बिज़ी होता है। और अब तो ईद भी सर पर आ गई है, 5 से 6 दिन रह गए हैं ईद आने में, और अब ईद की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा। और आज तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा व्लॉग शेयर करती हूं। आज भाई आए थे मेरी तरफ ईद देने, हम सब बहनों को, वो बारी बारी सारी बहनों की तरफ गए थे ईद देने, और मुझे भी ईद देकर अब चले गए हैं मेरी तरफ से, मेरी दूसरी सिस्टर की तरफ। तो यहाँ पर क्योंकि अम्मी भी मलेशिया से आ गई हैं, तो भाई और अम्मी हम सब के लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें लेकर आए हैं। वो भी भाई मुझे दे गया, और वो बच्चे खोल खोल के देख रहे थे चीज़ें सारी। तो वहाँ से भाई मेरे लिए प्रेशर कुकर भी लेकर आया, तो वो भी मैंने खोल लिया, और उसको ही मैंने कहा कि तुम जाने से पहले ना इसको ज़रा सेट करके जाओ। तो वो प्रेशर कुकर को सेट कर रहा है यहाँ पर, और भाई मेरे लिए बहुत प्यारा सा वहाँ से जूता भी एक लेकर आया है, हम सब बहनों के लिए लेकर आया है। सारी चीज़ें हम सब बहनों के लिए ही आई हैं। तो ये मेरा बहुत प्यारा सा जूता भाई मेरे लिए लेकर आया वहाँ मलेशिया से, और मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी ये छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं, छोटी छोटी ये बातें हैं, ये मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए जूता किस कदर मेरा प्यारा है। और बस फिर इफ्तारी करने के बाद मैंने चाय बनाई, चाय के साथ मैं यहाँ पर बिस्किट खा लूँगी, और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैंने गर्मियों के लिए कपड़े लिए हैं और ईद के लिए लिए हैं। बहुत सिंपल से कपड़े हैं, और क्योंकि अब मेरा काम है आप लोगों से हर बात और हर काम शेयर करना, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ अपने बहुत सिंपल से और बहुत प्यारे प्यारे से कपड़े। हर एक की अपनी चॉइस होती है, हर एक का अपना मूड होता है, वो कौन सा कलर पहनता है और किस तरह के कपड़े पहनता है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी चॉइस शेयर कर रही हूँ, और अभी तो गर्मियाँ बहुत देर तक चलेंगी, 4 से 5 माह अभी और गर्मी चलेगी, और बड़ी ईद भी गर्मियों में ही आती है, तो ज़रूरत पड़ी तो हम और कपड़े भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और जो कपड़े मैंने बनाए हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। और ये मेरा पीच कलर का बहुत प्यारा सा सूट है, तो मैंने इसके ऊपर ये वाली लेस लगवा ली है। मेरे पास ये लेस घर पर पड़ी हुई थी क्योंकि मैंने सर्दियों वाले कपड़ों पर भी इसको यूज़ किया था, तो बाकी जो लेस है वो मैंने इसके ऊपर लगवा ली है। और इस तरह से 2 लाइनें मैंने सीधी लगवाई हैं बाजुओं के ऊपर, और खुले खुले बाजू रखवाए हैं, और 3-3 लाइनें मैंने फ्रंट पे लगाई हैं कमीज़ के। और इस तरह से ये बहुत अच्छी लग रही है, पीच और मैरून का जो कंट्रास्ट है वो बहुत मज़े का कंट्रास्ट होता है। और गले पे मैरून बटन ला के वो मैंने लगा लिए हैं खुद, और इसका चुनट वाला दुपट्टा मैंने लिया है इसके साथ, जिस कलर की लेस लगवाई है उसी कलर का मैंने दुपट्टा ले लिया है। बहुत प्यारा सा जो सूट है वो सिंपल सा एक रेडी हो गया है। और एक मैंने ब्लैक सूट बनाया है, वो तो हर सर्दियां गर्मियां हर एक का बन जाता है ब्लैक सूट, और उसके ऊपर मैंने लगवा ली है रेड कलर की लेस, और इतना प्यारा ये सूट लगता है पहना हुआ भी और देखने में भी बहुत ज़्यादा। इस तरह के ये लेस है और बहुत ही प्यारी सी ये लेस है, इसके साथ रेड मैंने शिफॉन का दुपट्टा ले लिया है, और इंतहाई प्यारा ये जोड़ा बन गया है। और इसके साथ ब्लैक ही शलवार है, पूरा ये सूट है ब्लैक और रेड कलर का दुपट्टा है, बहुत प्यारा सा कंट्रास्ट बन गया। और सारे कपड़ों के साथ मैंने शलवारें ही बनवाई हैं, बेल्ट वाली शलवारें, क्योंकि वही ज़्यादा अच्छी लगती हैं पहनी हुई। और ये मेरा मेहरून कलर का सूट है, और इसके साथ मैंने ग्रे दुपट्टा लिया है नेट का, और इसके ऊपर मैंने नेट के नहीं शीशा वर्क किया है, और शीशे की बनी हुई ये लेस मिलती है, उसको पहले मैंने टांग का कच्चा करके उसको सेट कर दिया जैसे मैंने लगानी थी, और बाद में मैंने इसको इस्त्री कर दिया तो बिल्कुल सेट वो बैठ गई है। नीचे से इसको बिल्कुल सिंपल मैंने रखा है, सिर्फ गले पे और बाजुओं पे लगाई है, और इसकी शलवार के मैंने पोंछों पे भी लगाई है एक एक लेस, और बहुत मज़े की शलवार भी देखने में लगती है। और ये 2 लॉन के सिंपल सूट हैं मेरे, और बस इनके मैंने बेल वाले बाजू रखवा लिए हैं खुले खुले, और सिंपल है ये, और इनकी भी शलवारें जो हैं वो बेल्ट वाली ही मैंने बनवाई हैं। और ये भी मेरा बहुत सिंपल सा एक सूट है, और इसके ऊपर मैंने लगाई है लेस नेट वाली, मेरे पास पड़ी हुई थी, बहुत सिंपल सी बड़ी पुरानी सी लेस थी मेरे पास काफ़ी देर से पड़ी हुई, तो वो मैंने उसके ऊपर सिर्फ घेरे पे उसके दामन पे इस तरह से इसको लगा लिया है, क्योंकि ये मैंने एयरलाइन शर्ट सिलवाई है खुली खुली, तो इसके मैंने इस तरह से दामन पर 2 लाइनें नेट की लेस वाली लगवा ली हैं।
और ये भी मेरा लोन का बहुत प्यारा सा सूट है, इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ मैं लूँगी शॉकिंग पिंक जो है दुपट्टा, ताकि वो कंट्रास्ट हो जाएगा और बहुत प्यारा सा जोड़ा लगेगा। और ये दो जूते मैंने लिए हैं सिंपल सिंपल से, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का, क्योंकि भाई ने भी एक ले आना था बाहर से, तो फिर मैंने यहाँ पे दो ही जूते लिए हैं और मुझे सिंपल सिंपल जूते ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बस ये थी मेरी छोटी सी गर्मियों की और ईद की तैयारी। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।